हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मार्वल ज़ॉम्बी सुप्रीम का लास्ट एपिसोड और इसके बाद की सीरीज़ आखिरी सीरीज होगी मार्वल ज़ॉम्बीज की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले देखते हैं रिकैप। मिलिए कैप्टन जिल हार्पर से, जो कि लीडर है सोल्जर्स के एक एलाइट स्क्वाड की, जो स्पेशली हाई रिस्क एंगेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, और उस टीम को इन्वेस्टिगेट करने भेजा गया है पेगासस में एक अननेम्ड वायरस को ढूंढने के लिए। लेकिन उनके जाने से पहले उस वायरस को एक शक्ल तो मिल ही चुकी थी। अब मिलिए स्क्वाडन सुप्रीम से, या फिर स्क्वाडन सुप्रीम के जॉम्बी क्लोन से, जिसे क्रिएट किया गया था उस साइंटिस्ट के जरिए जो पागल हो चुका है। इन्हें मारने के बाद या फिर उस फैसिलिटी को पूरी तरह से बदलने के बाद जिल के यूनिट के मेंबर्स कम होते गए और मिडवेस्ट, जहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में वो पूरी सिटी ही तबाह हो गई। अब मिली हीरो जैक ऑफ हार्ट से, एक सुपर हीरो जिसे अपनी पावर्स मिली जब वो कनेक्शन में आया एक मिस्टीरियस एनर्जी सोर्स के, जिसे जाना जाता है जीरो फ्लूड के नाम से। और जब उसे लाइफ देने वाली एनर्जी अनस्टेबल हो गई, तब पेगासस के साइंटिस्ट ने उन्हें रिकंस्टिट्यूट किया और जिल को मिला जैक और उसे बाहर लाई कोमा से, उसका कनेक्शन बाहर की दुनिया के साथ जोड़ के। जब जैक बाहर आया तब चीज़ें कुछ अच्छी होने लगी थी, लेकिन तभी जिल को खा लिया गया स्क्वाडन सुप्रीम के एक जॉम्बीफाइड मेंबर के जरिए, जो था शेप, और अब ये जैक के लिए पर्सनल बन चुका है। प्रोजेक्ट पेगासस रिसर्च फैसिलिटी, अपस्टेट न्यूयॉर्क, जहाँ पर मेन गेट पर बाहर खड़ा मेन फ्रेम कह रहा था, ये अंडेड कॉन्टीजन बाहर निकलकर एक शहर और दो काउंटीज तबाह कर चुका है उनके सुपर टीम के साथ। और यह सब हुआ क्योंकि सिर्फ दो लोग बाहर गए, जिस पर सोप बॉक्स कहता है हम हमारा बेस्ट कर रहे हैं मेन फ्रेम, और हमारी स्क्वाड लगातार घटती जा रही है, और कैप्टन जिल के साथ भी हमारा कांटेक्ट टूट चुका है, जिस पर मेन फ्रेम कहता है अगर हमें पता है कि ये कॉन्टीजन क्या है तो मैं अपने इक्विपमेंट के साथ इसे हैंडल कर सकता हूँ। जिस पर सोप बॉक्स कहता है तो तुम कहना क्या चाहते हो मेन फ्रेम, अगर हमने इसे नहीं रोका तो ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी। जिस पर बैटर स्टार कहता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है सोप बॉक्स। जिस पर सोप बॉक्स कहता है मेन एंट्रेंस अभी भी खुला हुआ है बैटल स्टार, जिल ने सारे लॉक डिसेबल कर दिए हैं, तो यहाँ पर हम फंसे नहीं है। जिस पर डॉक्टर डाइओ कहता है फंसे नहीं हो, तुम फंसे हुए हो उस फिजिकल फॉर्म में, मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ हमेशा के लिए जिंदगी। पेगासस अपर लूपर में पावर प्रिंसेस कहती है नाइटहॉक हमें यहाँ से बाहर निकल कर कुछ खाना ढूंढना होगा, क्योंकि अब ये भूख हमसे सहन नहीं हो रही। तभी नाइटहॉक और बाकी की टीम को दिखता है विजर, जहाँ पर वो कह रहा था हम अब क्या बन चुके हैं, हम एक जमाने में क्या थे और अब क्या बन चुके हैं। उस पर नाइटहॉक कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, हम क्या थे ये मायने नहीं रखता, और वो अब है भी नहीं, हम जो पहले थे अब वो हम नहीं रहे, अब सिर्फ हंगर रह चुकी है, सिर्फ हंगर। और तब हम देखते हैं दूसरी तरफ पेगासस मेंटेनेंस कॉरिडोर में जैक ऑफ हार्ट शेप से कह रहा था तुम कुछ कुछ शेप जैसे लग रहे हो, वो स्क्वाडन सुप्रीम का स्ट्रेची गाय, लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ सड़े हुए मांस जैसा लग रहा है। जिस पर शेप कहता है ये इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने कुछ साइंटिस्ट खाए है, और वो सोल्जर गर्ल भी, जो काफ़ी डिलीशियस थी, और मैं खाना बंद नहीं कर सकता। तभी जैक को आवाज़ आती है हार्पर की, इस पर वो कहता है तुम अगर अंदर हो तो मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकालूंगा। और इसके बाद शेप और जैक में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर जैक कहता है जब मुझे तुम्हारी बाकी बची बॉडी मिलेगी तो मैं उसमें से सब कुछ बाहर निकाल लूंगा। और तभी शेप अपनी बाकी बची बॉडी वहाँ पर लाता है, जिसे देखकर जैक कहता है क्या तुमने इतने लोगों को खाया है जो अभी अंदर है। जिस पर शेप कहता है हाँ, लेकिन अभी भी एक के लिए जगह बाकी है। तब गुस्सा होकर जैक उसके हाथ तोड़ देता है और उसकी जीभ पकड़कर उसके गर्दन को काट देता है और कहता है अब बहुत हो चुका, तुमने जो खाया वो तुम्हारा आखिरी खाना था। और तब वो उसकी गर्दन काटते हुए कहता है अगर तुम्हें इससे दर्द हो रहा है तो अभी तुम हार्ड बनने के लिए तैयार हो जाओ। और तब जैक उसका पेट फाड़कर सब कुछ बाहर निकाल देता है, जिसमें थी जिल, जो बाहर आकर उससे कहती है तो मेरे इस लंबे भाषण का तुम पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, वो आया और मुझे खा के चला गया, तब तुम क्या कर रहे थे। इस पर जैक कहता है मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था, और जब मुझे याद आया तब मैंने इसका पेट फाड़कर तुम्हें बाहर निकाला। इस पर वो कहती है जैक ये सीरियस है, तुम यहाँ पर हो क्योंकि तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत है, और तुम जितना सोचते हो तुम इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे अंदर जो जीरो एनर्जी है वो एक एम्पलीफायर है अंडर्स को लाइफ मिलाने के लिए। इस पर जैक कहता है मेरा रिजरेक्शन
सिर्फ जॉम्बीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पर वो कहती है, ऐसा नहीं है, तुम नहीं, लेकिन एक मैड साइंटिस्ट जरूर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन तुम अगर चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकते हो। वही दूसरी तरफ पेगासस मेन इंटरेस्ट पर बैटल स्टार और सोप बॉक्स उन जॉम्बी से लड़ रहे थे, जहाँ पर बैटल स्टार कह रहा था वो हमें दरवाजे तरफ धकेल रहे हैं और हम ही हैं जो पूरे वर्ल्ड और इन जॉम्बीज के बीच में खड़े हैं। इस पर सोप बॉक्स मेन फ्रेम से कहता है, मेन फ्रेम तैयार हो जाओ, हम जिए या मरे लेकिन ये लोग बाहर नहीं जाने चाहिए। और बैटल स्टार से कहता है, ये सब कुछ हुआ उस डॉक्टर की वजह से, उसने खुद को ठीक करने की कोशिश की। जिस पर बैटल स्टार कहता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो इस चीज को बहुत दूर तक ले गया और उसने सारे लोगों को मार दिया। तब डॉक्टर कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, मैं एक स्लो डिजीज से गुजर रहा था और वो थी लाइफ, और अब मैं इससे उभर चुका हूँ। तब बाहर जाते लोगों को मेन फ्रेम संभाल तो लेता है, लेकिन वो कहता है, इतने सारे हैंडल करना मेरी बस की बात नहीं है, ये बहुत सारे है। तभी कुछ जॉम्बीज हमला करते हैं सोप बॉक्स पर और सोप बॉक्स अपने हाथ में रखी गन को चला देता है उन जॉम्बीज पर, और तब उस वक्त उसके पैर भी उस गन की चपेट में आ जाते हैं। तभी बैटल स्टार उन जॉम्बी से लड़ते हुए कह रहा था, मैंने कहा कोई भी जॉम्बी मुझे पास करके नहीं जा सकता, इसका मतलब कोई भी नहीं। तब विजर आकर मेनफ्रेम को मारने लगता है, वो उसे पंच तो मारता है लेकिन उसमें उसकी ही उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, और तब मेनफ्रेम विजर को पीटने लगता है, जिस पर डॉक्टर कहता है, उसे खाओ, तुम उसे खा क्यों नहीं रहे। इस पर पावर प्रिंसेस आगे बढ़कर कहती है, क्योंकि ये एंड्रॉयड है और इसमें कोई भी फ्लैश नहीं है। तभी वहीं पर सोप बॉक्स की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहा था नाइट हॉक, लेकिन तभी जिल जैक के साथ वहां पर आ जाती है और नाइट हॉक को उसे दूर कर देती है, और जैक पावर प्रिंसेस और लेडी लार्क पर हमला करने लगता है। कैप्टन जिल को देखकर बैटल स्टार कहता है, बहुत देर के बाद तुम्हें देखा। इस पर वो कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें एक चांस दे दिया मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए, और कहती है, और ये एक अच्छी बात है कि जैक अब हमारे साइड में है। और तभी जॉम्बीज और उन लोगों में हाथापाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर जैक से जिल कहती है कि जैक अपनी जीरो एनर्जी इनसे चूस लो ताकि ये जॉम्बीज जिंदा ना रह सके, और वो ऐसा ही करता है और इस वजह से वहाँ के सारे जॉम्बीज मर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर डाइयो उससे पहले ही वहाँ से बाहर निकल चुके थे, और थोड़ी देर बाद जिल देखती है कि उसे भी एक जॉम्बी ने काट लिया था और वो जॉम्बी बन रही थी। जिस पर जैक से बैटलस्टार कहता है, जैक मुझे माफ करना, वो मेरे लिए भी बहुत मायने रखती थी, लेकिन तुमने पूरी दुनिया को बचाया, तुम एक हीरो हो। जिस पर वो कहता है, नहीं, मैं इसे नहीं खो सकता, और वो अपनी जीरो एनर्जी के साथ उसे रिजरेक्ट करने लगता है और वो ठीक हो जाती है। इस पर वो कहती है, तुम्हारी जीरो एनर्जी ने मुझे रिवर्स कर दिया और उस जॉम्बिफिकेशन प्रोसेस को उल्टा कर दिया। इस पर वो कहता है, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। और तब वो कहती है, तुमने पूरी दुनिया के साथ मुझे भी बचा लिया। तब सोप बॉक्स दो हड्डियों के सहारे उठते हुए कहता है, सभी लोगों ने अपनी सारी लाइफ खो दी और स्क्वाड्रन सुप्रीम अब हिस्ट्री की सबसे बुरी टीम बन चुकी है और उन्होंने लगभग पूरी अर्थ को खा लिया है, और अब उनके पास चांस है कि वो उनके जैसा ना बने जिसे उन्होंने तैयार किया था। हम उन्हें भूल नहीं सकते, लेकिन स्क्वाड्रन सुप्रीम एक हीरोइक टीम है, और अगर वो अच्छा बनने की कोशिश करे तो हम भूल सकते हैं कि वो क्या थे। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।